शहीदों के बलिदान के कारण हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं। मंत्री करणदेव कंबोज। इंद्री गढ़ी बीरवल रोड स्थित कार्यालय पर खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले के मंत्री करणदेव कंबोज ने शहीदी दिवस के अवसर पर शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित और पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर मंत्री कंबोज ने कहा कि शहीदों के बलिदान के कारण ही भारत के लोग आजादी की खुली हवा में सांस ले रहे हैं। कि जिस प्रकार से देश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो हमारे महापुरुषों ने, जो हमारे शहीदों ने स्वप्न देखा था, आज उसको साकार करने में लगे हुए हैं और निश्चित रूप में उनका जो स्वप्न था उसको साकार होगा। ये हमारे देश के इतिहास में जितने भी अमर शहीद हुए हैं या अन्य कोई इस प्रकार की घटनाएं हैं, उनको किस प्रकार से तोड़ मरोड़ करके और इस प्रकार से हमारे बच्चों को उनसे प्रेरणा ना मिले, एक सोची समझी नीति के तहत जो है ना हमारे इतिहास को बिगाड़ने की कोशिश की गई है। ये सारी बातें जो है ना ठीक करने का समय आ गया, इनको ठीक किया जाएगा और निश्चित रूप में ऐसे बहुत से गलत कानून भी हमारे देश के अंदर बने हुए हैं जिनमें बदलाव करने की आवश्यकता है और निश्चित रूप में जो है ना ये सारी बातें जो है आने वाले समय में हमारे देश की सरकार जो है इनको ठीक करेगी। मैं युवाओं को तो यही संदेश देना चाहूँगा कि इस अवसर पर जो है शहीदी दिवस पर हमें उन अपने अमर शहीदों से प्रेरणा लेनी चाहिए कि जिस प्रकार से उन्होंने अपने देश के लिए आहुति दिया, तो हमें भी अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए हमेशा जो है ना तत्पर रहना चाहिए, अपने देश को आगे बढ़ाने में अपना सहयोग करना चाहिए। अभी 12 मई को जो है ना एक बहुत बड़ा पर्व है लोकतंत्र का और उसमें हमने बढ़ चढ़ करके मतदान करना चाहिए, सभी को प्रेरित करना चाहिए कि लोग मतदान केंद्र पर जाएं और अपना वोट डालें ताकि अपने मनपसंद की जो है ना सरकार चुन सके। तो ये संदेश मैं देना चाहूँगा।